टू आवर चैनल और ये हम लोग का नया ट्रैवल ब्लॉग है जो है लेह का. आज है 8 मई 2019 और हम लोग कल आज सुबह 8:30 बजे निकले थे दिल्ली से और 1.5 घंटे में हम लोग लेह आ गए हैं. तो अगले कुछ दिन में हम लोग नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक और वारशी विलेज जाएंगे. हॉस्टल बुक किया हुआ था अपने स्टे के लिए. कैब हम लोगों ने बुक की एयरपोर्ट से, प्रीपेड टैक्सी बूथ है एयरपोर्ट से निकलते ही एटीएम, एसबीआई एटीएम के बगल में. 450 की कैब हुई है जो एयरपोर्ट से हम लोगों को हॉस्टल छोड़ी है. विश्वजीत सिंह के नाम से बुकिंग होगा. तो हम लोग अभी हॉस्टल आ गए हैं और ये है यहाँ का कॉमन रूम. और आपको हॉस्टल अगर आप आ रहे हैं तो आपको परमिट और बाइक के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने वहाँ पर अभी रिसेप्शन पे पूछा, परमिट अगर नहीं मिलाएं तो यहाँ से अरेंज हो जाएगा. और बाइक्स आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ बता के अरेंजमेंट आप यहाँ से करवा सकते हैं. एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो यहाँ का DC ऑफिस है जहाँ से परमिट का सारा काम होता है वो 4 बजे तक खुला रहता है. पीछे आपको शांति स्तूपा दिख रहा है यहाँ से. हम लोग अपने हॉस्टल के रूम में पहुँच गए हैं. ये है हमारा रूम, ये है हमारा रूम, रूम नंबर 308 हॉस्टल ले. देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है. कुछ खास नहीं पर फिर भी ठीक ठाक. ये हिमालयन बताइए सही. हिमालयन का 2000. अरे सही बताइए, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है. तीन बाइक 1200. हिमालयन का बताइए. हिमालयन का तो 1600 से कम नहीं. अरे 1500 करो ना. आओ तो सही, आओ. ये जो JNK बैंक दिख रहा है इसके आसपास ही बताते हैं परमिट ऑफिस, पता करना पड़ेगा. ये परमिट ऑफिस, ये रहा परमिट ऑफिस. क्या नाम आपकी शॉप का? मिरेकल. ये मिरेकल शॉप है. बाकी बाइक की कंडीशन यहाँ पर जैसी मिली वैसी शायद आपको कहीं मिलेगी नहीं. ये एक हिमालयन हम लोगों ने लिया और एक है बुलेट स्टैंडर्ड 500 और एक और हिमालयन है. तो प्राइस तो शायद आपको इससे कम कई जगह मिल जाए लेकिन फिर कंडीशन आपको ऐसी नहीं मिलेगी. और 2000 रुपये में हम लोग को हिमालयन मिल रही है और वो कितने की है? 1600 की क्लासिक 500 है और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, नी गार्ड्स, हेलमेट, स्टैंड, रस्सी. तो अभी हम लोग
बाइक्स लेके अपनी अपनी रेंट पर निकल चुके हैं मैग्नेटिक हिल के लिए, और उससे पहले हम लोग एक जगह रुकेंगे, वो है पेट्रोल पंप। सारी बाइक्स फुल करानी है, प्लस कल क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो उसके लिए एक कंटेनर भी फुल करा लेंगे। ऑलरेडी अभी 4 बज चुका है, देखते हैं कितना हो सकता है, जितना मैक्स जा सकेंगे उतना जाएंगे। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, 2 पेट्रोल पंप है, उसमें से एक ही है। यहाँ पर ATM PNB और JNK बैंक का ATM मिल जाएगा, और यहीं से मैग्नेटिक हिल का रास्ता जा रहा है। यहाँ हम लोगों ने अपनी सारी बाइक्स फुल करा ली, एक कंटेनर भर लिया, अब चलते हैं आगे मैग्नेटिक हिल की तरफ। हम लोग मैग्नेटिक हिल पहुंच गए, टाइम हो रहा है 5:20 सॉरी। हम लोग को अराउंड 1 आवर लगा है, पर हम लोग क्योंकि थोड़ा कम स्पीड से ही आए हैं और रुकते हुए आए हैं तो 1 घंटा टोटल लगा है। इसके बारे में स्टोरी ये है कि यहाँ पर इस स्पॉट पर जब अपनी गाड़ी खड़ी करो 4-व्हीलर, तो न्यूट्रल गियर में भी ये अपहिल चढ़ती हुई होती है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। ये यहाँ पर कैफे है, यहाँ की कॉफी बहुत
अब हम लोग मैग्नेटिक हिल से निकल लिए हैं लेह के लिए। क्या है तो अभी हम लोग मैग्नेटिक हिल से वापस आ रहे थे तो यहाँ पर चेक पोस्ट पे हमको रोका और उसने बताया कि एंट्री का 20 रुपीज़ लगेगा। वो भी था जब हम लेह से ही उस तरफ गए थे और फिर वापस आए। हम लोग अभी लेह पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा प्लान ये है कि शांति स्तूपा हम तो जाएंगे। होटल से ये 2.5 किलोमीटर दूर है जिसमें टाइम लगता है 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगता है यहाँ आने के लिए। तो यहाँ से लेह का टॉप व्यू मिल रहा है। शांति स्तूपा 9 बजे तक रात को खुला रहता है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री नहीं होती है। ये है यहाँ का फेमस शांति स्तूपा।